देखिए यहाँ जो है पिंडारी ग्राम पंचायत में वन विभाग की ओर से आवर्ती चराई का काम किया जा रहा है। इसमें आवर्ती चराई क्षेत्र में जो गाय वगैरह रखने का प्रावधान है तो उसको संचालित करने के लिए गोठान समिति के रूप में एक महिला स्व सहायता समूह का यहाँ गठन किया गया है, जिसमें मूल उद्देश्य यह है कि इस गोठान को महिलाएं संचालित करें और इसके संचालन में अपने घर के कामकाज के अलावा दो पैसा उनको जीविकोपार्जन का साधन उनके लिए हम उपलब्ध कराना चाहते हैं। जैसे इसमें वर्मी कंपोस्ट का काम हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जीविकोपार्जन का उनके लिए एक आय का स्रोत बनेगा और उनका जो भी वर्मी कंपोस्ट है उसको क्रय करने के लिए वन विभाग के पास पूरी योजना है। हमारे पास हर साल नर्सरी तैयार होता है, हर साल प्लांटेशन तैयार होता है, जिसमें जो है जो भी शासकीय स्वीकृत दर है उसमें उनका वर्मी कंपोस्ट का हम लोग क्रय करेंगे और जो भी उनको संसाधन की आवश्यकता होगी उसको जो है वन विभाग अपने तरफ से अधिक उपलब्ध कराएगा। उसके अतिरिक्त जो भी गोठान का जो क्षेत्र है, यहाँ लगभग 7 हेक्टेयर एरिया हम लोगों ने लिया है, 2 हेक्टेयर और 5 हेक्टेयर दो पार्ट में है। उस दो पार्ट में जो 7 हेक्टेयर एरिया है उसमें जो भी रिक्त स्थान है, जो चारागाह के अलावा अगर कुछ भी जगह बचता है या जो मेढ़ वगैरह है, मेढ़ वगैरह में फलदार वृक्ष वगैरह का रोपण या जो भी यहाँ का समिति तय करेगा उसके अनुसार हम लोग उनको पौधा उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक वडपनगर रेंज में 10 क्लस्टर काम हम लोग लिए हैं, जिसमें वन अधिकार पत्र जो भी वितरण किया गया है, तो जो वन अधिकार पत्र वितरण किया गया है तो गांव वाले वन अधिकार पत्र तो ले लिए हैं किंतु जो है उसमें उसके जमीन का अच्छे से उपयोग वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें वन विभाग उनको जागरूक करेगा, अपने सतत निगरानी में उनके खेती बाड़ी पर ध्यान देगा जिसमें अच्छी गुणवत्ता के फसल उत्पादन कर सकें। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो 10 क्लस्टर बनाया है उसमें ये इस साल की हमारी योजना यह है कि सभी के खेत में जो जितना लगा सके उसमें कलमी आम का पौधा हम बाहर से लाके उनको उपलब्ध कराएंगे, जिससे जो है फसल के साथ साथ वो फल का भी लाभ ले सके। धन्यवाद।